में प्रदेशवासियों को आज महंगाई के बीच जोरदार झटका लगा है। छत्तीसगढ़ में दरअसल आज बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। 3 साल के बाद छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमत बढ़ी। विद्युत नियामक आयोग ने नए टैरिफ का ऐलान किया है। नए टैरिफ के अनुसार अब बिजली दरों में औसत 6% की वृद्धि की गई है। नई दरें 1 अगस्त से लागू मानी जाएंगी। जहाँ पिछले साल प्रति यूनिट दर 5.93 रुपये थी, वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयोग ने औसत दर 6.41 रुपये निर्धारित की है। बिजली नियामक आयोग ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं से फिक्स्ड चार्ज लिया जाएगा। बिजली नियामक आयोग ने निर्देश दिया है कि अब 5,000 रुपये से ज्यादा बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। साथ ही ऑक्सीजन संयंत्र लगाने वालों को राहत मिलेगी। ऊर्जा प्रभार में 10% की छूट दी जाएगी। 3 सालों का जब लेखा जोखा हमारे सामने में आया तो ये लगा कि राजस्व का जो संचित राजस्व है उसमें पिछला अंतर और अभी का अंतर काफ़ी बढ़ गया है। इस लेखा जोखा करते हुए हमने मामूली सभी वर्गों में थोड़ा थोड़ा वृद्धि किया हुआ है, जो लगभग 6% का है। चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए हम रुख करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, जाहिर है कि प्रदेशवासियों की बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो महंगाई से तो पहले ही जनता त्रस्त है, लेकिन अब एक नया खर्चा, अतिरिक्त खर्चा बिजली बिल के रूप में जनता को चुकाना होगा। क्या कह रही है ये नई दरें? देखिए, बिजली की दरें हर बार इसलिए तय करनी पड़ती है क्योंकि बिजली को बनाने की जो लागत है वो लगातार बढ़ रही है, और उसकी भरपाई के लिए बिजली की दरों को किस ढंग से तय किया जाए, किस ढंग से खर्चों को अनुमति दी जाए, इसका काम विद्युत नियामक आयोग के द्वारा किया जाता है। पिछले 2 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि जो बिजली की दरें हैं उनको नए ढंग से पुनर्गठित नहीं किया गया, नई दरें नहीं बनाई गई, पुरानी दरों पर ही वसूली होती रही, जिसकी वजह से जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर लगातार भार बढ़ता रहा और घाटा जो है वो करीब 9,000 करोड़ के आसपास हो गया था। इसीलिए जो विद्युत नियामक आयोग के पास बिजली कंपनियों का प्रस्ताव था उसमें इस बार बिजली की दरों को बढ़ाने के लिए काफ़ी दबाव था, और अलग अलग जन सुनवाई के बाद बिजली नियामक आयोग जो है उसने ये तय किया कि इस घाटे की भरपाई अगर अभी नहीं की गई तो आने वाले साल में ये घाटा कंपनियों पर भारी पड़ सकता है, और इसीलिए बिजली की दरें अब जो घोषित की गई हैं उसमें 6% की वृद्धि की गई है। पिछले कई सालों के आंकड़ों को हम देखें तो जो वृद्धि है वो करीब 5% के नीचे ही अब तक रही है, लेकिन पिछले 2 सालों में वृद्धि नहीं होने की वजह से जो भार है बिजली लागत का वो लगातार बढ़ता जा रहा था, और इसलिए इस बार वृद्धि एक तरीके से जरूरी थी, लेकिन इस वृद्धि से आम आदमियों के जेब पर, बजट पर जरूर असर पड़ेगा। हालांकि जो नियामक आयोग है वो दावा ये कर रहा है कि और कई सेक्टर हैं जिसमें राहत दी गई है, खास तौर पर सार्वजनिक क्षेत्रों के जो सेक्टर हैं उन्हें छूट दी गई है, उद्योगों को छूट दी गई है, ताकि महंगाई पर बिजली दरों का असर ना पड़े और भरपाई भी हो जाए, साथ ही जो जो घाटा है वो भी पूरा हो जाए और बिजली की दरें आम लोगों पर ज़्यादा भार भी ना पड़े। तो इन दोनों बातों को देखते हुए ये बिजली दरें बनाई गई हैं, लेकिन खास तौर पर घरेलू उपभोक्ताओं पर इन बिजली दरों का असर पड़ने वाला है, जिसमें जैसे कि हमने सिलसिलेवार बताया था कि 100 यूनिट जो खर्च करता था अब तक उस पर 40 रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा, और 1,000 यूनिट जो खर्च करता है उस पर 690 रुपये का भार पड़ेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल औसत रूप में हम देखें तो ये वृद्धि जो है वो करीब 6% से अधिक की होती है, तो 6% का भार अब आम आदमियों पर पड़ने वाला है, और ये दरें कल से यानी 1 अगस्त से लागू मानी जा रही हैं, तो अब इसका असर हमें अगले महीने जो बिल आएगा उस पर दिखाई देगा। चलिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है मोहन, विद्युत नियामक आयोग ने जरूर कोई फॉर्मूले के तहत ये बिजली की नई दरें लागू की हो, लेकिन इसका असर जरूर प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। महंगाई के रूप में थोड़ा ज्यादा बिजली का बिल उन्हें चुकाना होगा, 6% की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर पर बातचीत के लिए।